हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज मैं भी ठीक हूँ, फिर से आप सब लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैंने 11 बजे से स्टार्ट किया है और अभी मैं फिलहाल रेडी भी हो चुका हूँ। आज मैं जा रहा हूँ लोहाघाट, यानी कि लोहाघाट से 4 किलोमीटर और आगे है तो वह उस मंदिर का नाम है आपका झुमाधरी मंदिर। झुमाधुरी मंदिर है और उस मंदिर में पहली बार जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कभी मैं गया नहीं था। और आज वहाँ पे है ना डोला उठ रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और अकेला जा रहा हूँ गाइज। आज कोई साथ में नहीं है, अकेला जा रहा हूँ वहाँ पे। फर्स्ट बार जा रहा हूँ, मंदिर के दर्शन करके आऊँगा और आप लोग बस मेरे ब्लॉग में बने रहेगा क्योंकि किस तरह का वहाँ पे माहौल है वो मैं आप सब लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और मैं भी वहाँ पे दर्शन करके आऊँगा। तो बस गाइज यहाँ से चलता हूँ मैं फिलहाल अभी मंदिर के लिए, तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकल चुका हूँ अभी 12 बजे और आराम आराम से चलता हूँ, पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर बाद। और यहाँ से आपका लोहाघाट है 14 किलोमीटर और फिर उसके बाद 4 किलोमीटर आगे और है शायद, कन्फर्म तो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ से 14 किलोमीटर लोहाघाट और 4 किलोमीटर वो मान के चलें 18-19 किलोमीटर यहाँ से हम मान के चलते हैं चंपावत से उस मंदिर तक का। और फिलहाल अभी मैं गाइस यहाँ से निकल चुका हूँ, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचने के बाद। स्वागत है गाइज आपका लोहाघाट नगर में। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोहाघाट। अब यहां से समथिंग 4 किलोमीटर के आसपास में उस मंदिर की दूरी बची हुई है और चलता हूं गाइज मस्त करके आ रहा। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पे और यहां पे देख सकते हो मैंने गाड़ी पार्क कर दी। सब लोगों ने गाड़ी यहीं पे पार्क की हुई है, ये देखिएगा, इससे ऊपर को नहीं जा सकते हैं गाड़ी लेके। और चलते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो बने रहें आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ से होती है पैदल यात्रा शुरू मंदिर के लिए और काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा उस चोटी पे। तो यहाँ से चलते हैं और आप लोग नीचे का सीन देख सकते हैं, ये देखिएगा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी। ये देखिएगा गाइज यहाँ से होती हैं दुकानें स्टार्ट और यहाँ पे दोनों साइड में, दोनों यानी कि दोनों तरफ में लगी हुई हैं दुकानें, ये देखिएगा। यहाँ तक की लगी हुई है दुकानें गैज और यहाँ तक तो गाड़ियाँ आ सकते हैं लेकिन यहाँ के बाद गाड़ियाँ ऊपर को जा नहीं सकती हैं। और यहाँ से होता है पैदल यात्रा शुरू, ये देखिएगा सब लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ और अभी हम भी चलते हैं। और बस भाई लोग आने वाले हैं नीचे से तो उनका वेट कर रहा हूँ मैं। भाई लोग भी आ चुके हैं, ये चलते हैं ऊपर की तरफ। भाई लोग तो भाई कैसा है? भाई बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, भाई साहब ठीक हो रहे हो? चलें रास्ता देखिएगा गाइस, कुछ खराब सा नज़र आ रहा है और चढ़ाई एकदम पूरी खड़ी है। जो भी लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं उन सब लोगों के लिए यहाँ पे रास्ते में पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जितने भी लोग नीचे से पैदल आ रहे हैं और इस कड़क धूप में पसीना बहा के यहाँ पे आ रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है और सब लोग यहाँ पे पानी पीते हुए जा रहे हैं जिनको भी प्यास लगी है। ये बड़ी टॉप की जगह है गाइस और यहाँ से ना पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये देखिएगा यहाँ से पूरी लोहाघाट के मार्केट हो गया, नवोदय हो गया, ये चीज़ें सारी यहाँ से क्लियर दिख रही हैं, ये देख सकते हो आप लोग। और ये जगह ना बहुत ही टॉप की जगह है। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मेरे को मिल चुका है मेरा दोस्त मुकेश भाई और अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ और डोला उठने का अभी टाइम है, नीचे से डोला आएगा तो वो चीज़ भी आप लोग को दिखाया जाएगा। और अभी पहले हम लोग करके आते हैं दर्शन, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे हो रखी है पब्लिक और हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे, आप पहली बार यहाँ पे हम लोग, मैं भी आया हुआ हूँ और जो कि काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। अभी डोला देखना बहुत बाकी है तो
हम लोग वेट कर रहे हैं किस टाइम उठेगा करके, नीचे से आएगा, नीचे से इस मंदिर पे आएगा। दर्शन हमारे हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, वहाँ से डोला ऊपर को आएगा तो हम लोग भी डोले के साथ ही ऊपर को आएंगे। दोनों भाई नीचे चलते हैं।
रहा है मंदिर पे और आप लोगों को मैंने दिखाया भी। और अभी यहाँ पे हो रही है परिक्रमा, इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। डोला तो ना मंदिर पे पहुंच गया था, लेकिन अब दूसरा डोला यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है नीचे से। ये देखिएगा अभी नीचे से दूसरा डोला आ रहा है, एक पहुंच चुका है मंदिर पे। ये देखिएगा गाइस दूसरा डोला भी आ चुका है और ये देखिएगा डोले को कैसे ला रहे हैं, और है और उसको खींचते हुए ऊपर को ला रहे हैं डोले को। ये देखिएगा कितनी भयंकर भीड़ रखी है गाइस, देख सकते हो आप लोग नीचे तक देखिएगा। निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। सो गाइस फाइनली मैं कमरे में पहुंच चुका हूं मंदिर से आके, और आज काफ़ी अच्छा दिन रहा गाइस, मन खुश हो गया आज झुमाझरी मंदिर जाके। तो इतना सुकून मिला ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला वहां पे जाके। फर्स्ट टाइम था मेरा वहां पे, और लेकिन वहां की पब्लिक देखते ना गाइस, काफ़ी भयंकर पब्लिक हो रखी थी। और शायद मुझे लगता है ना कि मतलब देवी दुरा जो बग्गा होता है उससे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एरिया पे फैले हुए थे, वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे दर्शन करने आए हुए थे झुमाझरी मंदिर में उस डोले के। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा, और आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।